बात आम जन की होनी चाहिए तो बात वो गुंडागर्दी की करते हैं। केजरीवाल की सरकार तो भ्रष्टाचार में ही लिप्त है तो उसकी हम क्या बात करें। अगर पंजेश यादव को भी मुसलमान ना कर चुके हैं तो उसका नतीजा हमारा जो लक्ष्य है वो विकास है, अनुशासन है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं ये मुसलमानों के अंदर भी भाजपा की तरफ लगाव बढ़ा है। मेरा नाम शाश्वत पांडे और आप इस वक्त उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी जी, कार्यालय प्रभारी जी असरार अहमद जी, जो कि इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, जो कि आज मिलने जा रहे हैं, क्या वजह रही जो आज इनका मिलन जो है लखनऊ में हो रहा है, और क्या ये लोकसभा के आगामी चुनाव की ओर कोई रणनीति तैयार हो रही है, जानते हैं असरार अहमद जी से। देखिए, मोदी जी की और योगी जी की जो लोकप्रियता है देश भर में, आज पूरी दुनिया मोदी जी को बेमिसाल मानती है और योगी जी की डिमांड बढ़ रही है, बराबर उनको लोकप्रियता हासिल हो रही है। तो ये जो लोग गठबंधन कर रहे हैं वो मैं इस तरह कुछ देखता हूँ कि चोर मौसरे भाई हैं, और आज बात विकास की होनी चाहिए तो बात भ्रष्टाचार की करते हैं, बात आम जन की होनी चाहिए तो बात वो गुंडागर्दी की करते हैं, बात अगर हम अनुशासन की करें तो वो विपक्ष जो है वो बात अपने गुंडाइयों और माफियाओं की करते हैं। तो हम तो ये समझ रहे हैं कि जो काम योगी और मोदी के नेतृत्व में हो रहा है और यहाँ की जनता ने हमेशा 2014 से और अब तक के अपने सर आँखों पर बिठाया है और उम्मीद है 24 में भी बिठाएगी, और हम लक्ष्य के साथ उतर रहे हैं, 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जीतेंगे। तो इस बार 2024 के इलेक्शन में किन नए मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है जनता के बीच आएगी? देखिए, हमारा जो लक्ष्य है वो विकास है, अनुशासन है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए। कभी ये उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचारियों की वजह से जाना जाता था, कभी ये गुंडागर्दी की वजह से जाना जाता था, कभी ये माफियाओं की वजह से जाना जाता था। आज वही उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के नाम से जाना जाता है, योगी मॉडल के नाम से जाना जाता है, जहां अनुशासन कायम है, जहां विकास का लक्ष्य रखा गया है। तो हम लोग तो विकास के नाम पे जाएंगे, लोगों से अपील करेंगे। आज अगर हम बात करें तो 2 करोड़ से ज़ायद जो सौभाग्य योजना के तहत लोगों को देश भर में बिजली कनेक्शन मिले फ्री में, और 37 करोड़ लोगों को जो है लोन मिला है, उसके अलावा 18,50,000 लोगों को आवास मिले हैं। तो हम इन सब की बात करेंगे, और जाहिर सी बात है जनता जो है अपने आशीर्वाद से और अपने वोट से हमें ज़रूर नवाजेगी, और उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 लोकसभा सीट जीतेंगे। और रही बात आज जहां पे वर्तमान 2 मुख्यमंत्री, जहां पे पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री और लखनऊ के पूर्व मुख्यमंत्री सब आपस में मिल रहे हैं, तो क्या ये गठबंधन की ओर देखा जा रहा है? देखिए, हमेशा जनता ने इन्हें नकारा है। अगर आप लोकल बॉडीज़ के हमारे यहाँ चुनाव हुए तो हम अगर खाली लखनऊ की बात करें तो यहाँ 81 लगभग हमारे सभासद जीते, 21 इनके जीते, तो उससे पता चलता है 4 निर्दलीय जीते अदर के लोग। और अगर हम अल्पसंख्यक की बात करें तो उनके अंदर भी एक अनुशासन पैदा हुआ है और वो भाजपा को की तरफ मूड हुआ है उनका, और वोट भी किए हैं। और जहाँ हमारे कैंडिडेट हारे तो बहुत कम मार्जिन से हारे, और 70+ से ज़्यादा हमारे सभासद जीते माइनॉरिटी मोर्चे की तरफ से जो उत्तर प्रदेश में टिकट दिए गए। तो कहीं ना कहीं ये मुसलमानों के अंदर भी भाजपा की तरफ लगाव बढ़ा है और उनको भी सरकारी योजनाओं के तहत जो लाभ मिला, ख़ास करके माइनॉरिटी को, तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा है, और मोदी और योगी तरफ उनको यकीन बढ़ा है। आज अखिलेश यादव को भी मुसलमान ना कर चुके हैं तो उसका नतीजा आप देख रहे हैं। केजरीवाल की सरकार तो भ्रष्टाचार में ही लिप्त है तो उसकी हम क्या बात करें। अगर पंजाब की बात करें तो चोर मौसेरे भाई हैं, वापस में मिल के खाना चाह रहे हैं। आज पंजाब के हालात कैसे हो गए हैं, तो जनता ने, हम जनता का सम्मान करते हैं, उन्होंने वोट दिया और वहाँ की सरकार को बनाया, और आज वहाँ की जनता जो है वो ज़्यादा परेशान है। आने वाले वक्त में वहाँ भी बदलाव होगा, भाजपा की सरकार होगी और सबका साथ और सबका विकास होगा। जितनी अन्य पार्टियां हैं जैसे कि वो अल्पसंख्यक वर्ग को एक आग जलाने का काम करती हैं कि ये इनसे दूर हट जाएं,
तो इस बार क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक वर्ग को आपस में जोड़ सकती है? देखिए, हम लोग वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। हम भला चाहते हैं, हम मुसलमानों को अनुशासन में लाना चाहते हैं, हम मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, हम मुसलमानों को सबके बराबर खड़ा करना चाहते हैं। हमने कभी मुसलमानों को बेवकूफ़ नहीं बनाया, हमने हमेशा वही किया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कैसे हासिल हो। इस पर मोदी और योगी के नेतृत्व में लगातार जो है मुसलमानों के लिए भी काम हुए, जिनमें से मैंने आपको अभी गिनाया कि योजनाओं में उनको, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 19% हमारी आबादी है और आज हमें 30 से 35% तक हमें लाभ मिला है सरकारी योजनाओं का। तो सबसे बड़ी भागीदारी जो है वो मुसलमानों की हुई है योगी सरकार में, तो कहीं ना कहीं यकीन बढ़ा है। दूसरी बात, अगर हम बात करें सपा सरकार की, तो सपा में अगर आप देखेंगे तो उनमें हमारी जो आबादी है वो 19% है और हमें जो लाभ मिला था, मुसलमानों को जो लाभ दिया गया था सपा सरकार में, वो 9 से 9.5%। तो ये साफ आंकड़ा है और आज मुसलमान जो है वो भाजपा को वोट कर रहा है। तो आप अभी तक सुन रहे थे असरार अहमद जी को, जो कि आपके इरादे एकदम क्लियर कर दिए होंगे। तो असरार अहमद जी का हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष पत्रिका के साथ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।